नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल की कमाल की फ्रेंड्स वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी एस्टिमेट अर्निंग होती है, मतलब में एडसेंस जो यूट्यूबर होते हैं और जो ब्लॉगर मतलब कि जो यूट्यूबर होते हैं और जो वेबसाइट चलाते हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ दरअसल एडसेंस के बारे में, क्योंकि सभी की जो पेमेंट होती है, जो अर्निंग होती है, वो एडसेंस अकाउंट में ही आती है। दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारी जो एस्टिमेट अर्निंग होती है, वो हमारे पेमेंट जो होता है, पेमेंट ऑप्शन अलग होता है, एस्टिमेट अर्निंग अलग होता है। तो उसमें कितनी तारीख को जुड़ती है। एस्टिमेट अर्निंग का मतलब होता है कि हमारी जो लगभग अर्निंग जो है वो कितनी है, मतलब कि रोज़ का बताता है या फिर कल का भी, मतलब डेली का बताता है, कल का बताता है, पिछले 7 दिनों का बताता है, 28 दिनों का बताता है और लाइफ टाइम का बताता है। तो उसमें बताता है कि हमारी जो एस्टिमेट अर्निंग है, मतलब जो लगभग अर्निंग है, वो कितनी है। और पेमेंट में ये बताता है कि हमारी जो ऐप, मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने अभी तक कमाए हैं वो कितने हैं, तो ऐसा बताता है। तो जो हमारी जो एस्टिमेट अर्निंग होती है वो पेमेंट में कितनी तारीख को जुड़ती है, महीने की कितनी तारीख को जुड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश मीना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आकाश मीना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि जिसके मतलब जिन जिन लोगों के यूट्यूब पर 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो वो गूगल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब चैटिंग के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। तो मैंने चैटिंग पर बात की थी गूगल के मतलब एक एम्प्लॉई से, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि महीने में जो मतलब पहला जो हफ्ता होता है, पहला जो वीक होता है, तो पहले वीक के जो लास्ट तारीख होती है, मतलब जो महीने की 8 तारीख, 7, 8, 9 तारीख के बीच में हमारी जो अर्निंग, जो एस्टिमेट अर्निंग होती है, वो पेमेंट में ऐड हो जाती है। तो वहीं पर मैंने वेट किया 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख का, तो वहाँ पर मेरी अर्निंग ऐड नहीं हुई। तो मैंने वापस कॉन्टेक्ट किया गूगल से कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी अर्निंग क्यों ऐड नहीं हुई। तो वो बोलते हैं कि कुछ डिलेस के कारण, मतलब कुछ डिले हो जाता है, तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आने के कारण डिले हो जाता है, तो उसके कारण अर्निंग लेट हो जाती है। तो लेट होने के बाद में मैंने पूछा कि अब कब आएगी, तो उन्होंने बताया कि 11 तारीख से और 16 तारीख के बीच में आपकी अर्निंग आ जाएगी। और वहीं पर अभी आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही बताया है। मैंने एडसेंस का जो पेज होता है वो खोला था, उसमें कुछ सेटिंग कर रहा था मैं, तो वहीं पर ऊपर नोटिफिकेशन में बताया गया, और ये नोटिफिकेशन सभी के पास आती है कि महीने की 16 तारीख को जो आपकी अर्निंग होती है, वो आपके पेमेंट ऑप्शन जो होता है उसमें जुड़ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें कि जो हमारी जो अर्निंग होती है, मतलब जो पेमेंट में जो अर्निंग आती है, वो हमारे खाते में कब आती है, मतलब कि बात करें कुल मिलाकर, तो हमारे खाते में जो हमारे पैसे होते हैं वो कब आते हैं, तो महीने की 21 तारीख से और 26 तारीख के बीच में, मतलब कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 को कभी भी आ सकते हैं। 21 और 26 के बीच में ही आपकी जो अर्निंग होती है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है। दोस्तों आई होप एडसेंस से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड आपको आपकी जानकारी जो आप चाहते हो वो आपको मिल गई होगी। वीडियो में आपको अगर कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ सुझाव आपकी तरफ से हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना और चैनल कर देना सब्सक्राइब, बगल में घंटी बटन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।